हेलो दोस्तों, 67 बीपीएससी के लिए जो दोस्तों हम इम्पोर्टेंट जो रिवीजन जो सेट ला रहे थे, आज बिहार को हम खत्म करने के मूड में, कि आज बिहार को हम खत्म कर देंगे। दोस्तों ये बिहार का आप जो देख रहे हैं, ये बिहार का है जो 4 से 5 बुक जो है उसका है जो ये पूरा है जो सार है, ये जो देख रहे हैं पूरा लिखा हुआ। और ये अपने जो हर जो रिफाइन जिसको किया जाता है उस आधार से है जो दोस्तों ये पूरा है जो बनाया गया है। बिहार से जितने भी क्वेश्चंस जो है, पिछले जितने भी एग्जाम्स हैं उससे है जो सभी क्वेश्चन है जो इसमें किसी में से देखने के लिए मिला है। आपकी इम्तियाज अहमद की बात करें, के दत्ता की बात करें, क्राउन की बात करें, तो सबका समागम है जो 15 पेजों में है दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिविजन है, वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर वीडियो लंबा रहे तो आप जो पुश करके देखिए उसको, लेकिन जरूर देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चैनल पर नए हैं तो जरूर है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। और वही क्वेश्चंस को है मैं जो आपको देखेंगे, जो क्वेश्चन छांट के लिखा हुआ है और क्वेश्चन है जो लगने के जो ज्यादा चांस है जो इस बार जो है इससे, तो हम इसी क्रम में जो आपसे बात करेंगे और इम्पोर्टेंट बात क्यों करेंगे, ज्यादा हम लंबी चौड़ी बातें नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन को पूछेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो पूछा है, जो ऋग्वेद में बिहार क्षेत्रों के लिए है जो कीकट एवं ब्रात शब्दों का प्रयोग किया गया, बस सुनते जाइए और दिमाग में रखते जाइए। जो ऋग्वेद है दोस्तों, ऋग्वेद में जो है बिहार क्षेत्र के लिए, किसके लिए, बिहार क्षेत्र के लिए, याद भी ऐसे होगा, बिहार क्षेत्र के लिए कीकट एवं ब्रात शब्द का है जो प्रयोग किया गया है। कीकट एवं ब्रात शब्द का कहीं भी पूछेगा आप जब किताब में पढ़ेंगे तो वहां है जो आपको लगेगा कि क्या माने आंसर, तो ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट एवं ब्रात शब्द का है जो प्रयोग किया गया है। बस इसी तरह से जो आपको है जो आपको क्वेश्चन है जो इसी तरह से पूछे जाएंगे और वहां है जो आपको मानना है, दिमाग में रखना है, इमेज बनेगा, सोचते रहिए। दूसरा चीज की दोस्तों जो पूरे भारत में हड्डी के उपकरण जो हड्डी के उपकरण मिले हैं वो जानते हैं दोस्तों कि है जो चीरान से मिले हैं। कहां से चीरान से ध्यान रखिएगा एकदम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है। और चीरान जो कहां है दोस्तों, सारण में कहां है सारण को आपराधिक जिला भी घोषित किया गया है। आप जानते हैं सारण को आपराधिक जिला भी घोषित किया गया 1942 में, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और सारण जो है दोस्तों है जो कहां से टच करती है, उत्तर प्रदेश से टच करती है। तो हम बीच बीच में है जो सब ज्योग्राफी भूगोल इकोनॉमिक सबको है जो डालते चले जाएंगे। सारण को आपराधिक जिला घोषित किया गया, उत्तर प्रदेश से टच भी करता है दोस्तों, यह है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और दूसरा चीज और बता दें, सारण और चंपारण से भी है जो नमक का आंदोलन बिपिन बिहारी वर्मा जो थे उन्हीं से है जो स्टार्ट किए थे सारण से। तो ऐसे तो हम बहुत सारी चीज बताएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको है जो बताते चले गए, ये नव पाषाण काल की बात हम कर रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। दूसरा है कि दोस्तों और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं, वैशाली के बारे में क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, वैशाली के बारे में, तो वैशाली को हम फटाफट है इसको हटाते ही जाएंगे और आपको जो बताते ही जाएंगे। वैशाली के बारे में बात करेंगे, वैशाली बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वैशाली में कुल 33 राजा हुआ करते थे, कितना, वैशाली में है जो कुल 33 राजा हुआ करते थे। और इस वंश के जो है 24वें राजा विशाल के नाम पर है जो वैशाली रखा गया है। क्या है, जो वैशाली के बारे में अगर बोल रहे तो इसमें है जो कुल 33 राजा हुए वैशाली में, कितना हुए 33 राजा, इसके 24वें राजा के नाम पर है जो 24वें राजा है जो विशाल उसके नाम पर है जो क्या पड़ा, वैशाली पड़ा दोस्तों, वैशाली पड़ा। फिर इसका अंतिम राजा अगर बात किया जाए तो सुमति एवं प्रमति था अंतिम राजा जो इसका था, अंतिम राजा जो था इसका सुमति एवं प्रमति इसका है जो अंतिम राजा था, प्रमति इसका अंतिम राजा था, सुमति एवं प्रमति। और वैशाली से ही जो काले एवं लाल मृदवांड मिले हैं, कहां से मिले हैं, काले एवं लाल मृदवांड जो है कहां से मिले हैं, वैशाली से ही मिले हैं। तो सब क्वेश्चन है जो आपको पूछा जाएगा, वैशाली से ही काले एवं लाल मृदवांड मिले हैं, काले एवं लाल मृदवांड मिले हैं, लाल
मृदवान नहीं मिले, ये भी चीज है, बहुत चीज है। वैशाली से अगर बात किया जाए तो वैशाली जो है दोस्तों एक है जो अभी वर्तमान में एक बहुत वहां पर जुब्बा साहनी जो है जो पार्क है जो वैशाली में ही है, जुब्बा साहनी ये क्वेश्चन जो पूछा जाएगा जो क्वेश्चन वही कोई वही आपसे बात करेंगे। जुब्बा साहनी है जो वैशाली में ही है जो वहाँ है जो पार्क है जुब्बा साहनी पार्क, बार बार ये क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। तो हम इसी पर जो बात करेंगे दोस्तों काले एवं लाल मृदवान जो कहाँ से मिले हैं, वैशाली से ही मिले हैं। वैशाली में ही अगर बात करें तो डिटेंशन सेंटर भी खोला गया, अगर करेंट की बात बोले तो वैशाली में ही डिटेंशन सेंटर भी है जो खोला गया है, डिटेंशन सेंटर भी है जो खोला गया है वैशाली में। बहुत सारी चीज है वैशाली की अगर बात करेंगे तो और भी बहुत सारी चीजें जो करेंट को पढ़ाएंगे तो उसमें हम सोच रहे हैं कि आज है जो ये है जो हिस्ट्री का पार्ट है जो खत्म कर दिया जाए, लेकिन जो मिलेगा उस चीज को जो बताएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों जो इम्पोर्टेंस जो पूछेगा अथर्व, क्वेश्चन अथर्व से जरूर आता है, अथर्व अथर्व से क्वेश्चन जरूर आता है। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में क्या है दोस्तों कि अथर्व में है किसकी किसकी चर्चा हुई, तो अंग एवं मगध की चर्चा हुई है। क्या है? अंग एवं मगध की चर्चा हुई है। और यही है जो 16 जो जनपद जो था उसमें मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, कोई नहीं लड़ता था इससे, जो परमान रहेगा उससे कौन लड़ेगा, तो मगध है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली था दोस्तों। तो अंग एवं मगध की चर्चा है जो अथर्ववेद में हुई है। और जो इसका है वर्तमान जो एरिया है ये अंग प्रदेश का जो एरिया है ये भागलपुर और मुंगेर में है, ये कौन है भागलपुर एंड मुंगेर में, इसी को अंग प्रदेश है। और यहीं पर पूरा पाल वंश यहीं पर था दोस्तों, 8 से 12वीं शताब्दी में पाल वंश यहीं पर था, भागलपुर मुंगेर में अंग प्रदेश। बहुत ही ऐतिहासिक है दोस्तों बिहार की, अगर हम बात करें पूर्वी दक्षिणी भाग को अगर हम बात करें तो वो पूरी है जो पूरी ऐतिहासिक है जो तथ्यों से भरा हुआ है जो जगह है। और निश्चित रूप से जो बिहार को इको टूरिज्म पर्यावरण का टूरिज्म विषय को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं है जो अंग प्रदेश है जो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, अगर हम और बात करें तो एक क्वेश्चन और पूछा था कि वाल्मीकि एवं रामायण में है जो जो मलद एवं कहना शब्द का जो प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो बक्सर के लिए हुआ है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। वाल्मीकि एवं रामायण में मलद एवं करुणा का जो है शब्द का जो प्रयोग है वो बक्सर के लिए हुआ है। चलिए अच्छा, भारत में लोहे का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में लोहे का तो आप जानते हैं 1000 ईसा पूर्व में है, ऋग्वेदिक काल को दो भाग में बांटा गया है, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वेदिक काल, आप जानते हैं पूर्व वैदिक काल ऋग्वेदिक काल में बांटा गया उसको, ताकि जो उसको है जो आप पढ़ सकते हैं। ये सब क्वेश्चन है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप जरूर है देखेंगे भारत में लोहे का 1000 ईसा पूर्व में। चलिए आगे बढ़ते हैं, वायु पुराण के अनुसार गया में है जो असुरों का राज था, वायु पुराण के अनुसार गया में है जो असुरों का राज था, कहा था असुरों का राज था वायु पुराण के अनुसार, ये कभी कभी क्वेश्चन है जो पूछ देता है दोस्तों, इसीलिए है जो इम्पोर्टेंट बताया। दूसरा चीज है कि हेरसांग ने अंग को चेरप्पो कहा है, अगर अंग की जो बात किए थे उसको जो अंग जो था भागलपुर में मुंगेर वाला उसको हेरसांग ने है जो क्या बोला है चेरप्पो कहा है, चेरप्पो क्या कहा है चेरप्पो, और अंग जो था 6 प्रांतों से मिलकर है जो माना था, 6 प्रांत है छोटे छोटे है जो उसके पार्ट है उसके है जो जैसे आपके गांव में आगे अगल बगल मिला के है जो ये पंचायतें बनती है, तो उसी तरह से अंग जो है 6 प्रांत जो था उसको मिलाकर है जो अंग, अगर अगर बात करें वैशाली की बात करें तो वह जो टोटल 8 था वैशाली में कितना था टोटल 8 प्रांत था, अंग में 6 प्रांत था वैशाली में 8 प्रांत था, ध्यान रखिएगा उसको। और इसकी जो राजधानी थी दोस्तों इसकी है जो मलिनी और चंपा भी इसकी राजधानी रही है, क्या रही है मलिनी और चंपा भी इसकी है जो राजधानी रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बीच की चीज है इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मलिनी और चंपा है भी इसकी है जो राजधानी भी रही है। चलिए आगे है दोस्तों कि जो महाभारत युद्ध के बाद अंग एवं मगध में लगातार संघर्ष होता रहा, दोनों एक दूसरे के इनिमी थे, तो इसको खत्म कौन किया था दोस्तों, अंग एवं इसी में क्वेश्चन और जोड़ लीजिए कि अंग एवं मगध, अंग वर्सेज मगध के बीच में हमेशा है जो लड़ाई रहता था, दोनों का संघर्ष इतना था, इसको खत्म कौन किया, तो इसको खत्म किया बिंबिसार, कौन खत्म किया इसको बिंबिसार खत्म किया, पूरा ट्यूटोरियल फॉर्म में पढ़िए याद रहेगा आपको,
फैक्टोरियल फॉर्म में जब पढ़िएगा तो है जो याद रहेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कौन खत्म किया? आगे मगध को है जो किसने खत्म किया? तो बिंबिसार ने खत्म किया। तो हम आपको क्वेश्चन पूछेंगे जब हम इसको खत्म कर लेंगे, एक पेज में आपको इतना ही क्वेश्चन है, बाकी खत्म हो जाए। आगे कि जैन धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो चंद्रमा थी। ये सब क्वेश्चन है तो आप सुनते जाइए बस। अच्छा, कौटिल्य ने दक्षिण राज्य में किसके लिए राज संबोधित जीवी सर्प के रूप में है जो उसका प्रयोग किया है? कौटिल्य ने लक्ष्मी राज के राज संबोधित शब्द का है जो प्रयोग किया है, राज संबोधित, राज शब्दों शब्दों जीवी, राज शब्दों जीवी, ये है जो वर्ड जो है कहीं भी क्वेश्चन आपको ये मिले, राज शब्दों जीवी। तो कौटिल्य ने लक्ष्मी राज के लिए, कौटिल्य ने किसके लिए? लक्ष्मी राज के लिए। किसने? कौटिल्य ने, कौटिल्य ने लक्ष्मी राज के लिए, ये शब्द है ध्यान से मार देना है, लक्ष्मी राज के लिए, कौटिल्य ने लक्ष्मी राज के लिए राज शब्दों जीवी शब्द का जो प्रयोग किया है। अगर पूछ ले कि लक्ष्मी दोहित किसको कहा गया है तो समुद्रगुप्त अपने आप को लक्ष्मी दोहित कहा है, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त अपने आप को लक्ष्मी दोहित कहा है, लक्ष्मी दोहित कहा है, दोहित कहा है, कहा है। तो लक्ष्मी दोहित से रिलेटेड अगर है तो समुद्रगुप्त कहा है, राज शब्दों जीवी किसने कहा है? तो कौटिल्य ने लक्ष्मी के लिए कहा है। तो ध्यान रखेगा आपके दिमाग में बस इमेज बनना चाहिए वहां की, किस तरह से क्वेश्चन है। देखिए कितना भी बड़ा बुक पढ़ लीजिए आपको याद तो नहीं रहता, आप अंदाज के ऊपर है जो एग्जाम में मारते हैं, कुछ ही क्वेश्चन है जो आपका है एकदम टू द पॉइंट रहता है, इसको टिक कर दी, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको सुना हुआ है पढ़ा हुआ है तब है जो आप है जो वहां यूज करते हैं। तो लक्ष्मी दोहित समुद्रगुप्त और राज शब्दों जीवी तो है जो कौटिल्य ने है जो लक्ष्मी के लिए कहा है। तो ध्यान रखिएगा ऐसे ये सब जो बहुत इंपॉर्टेंट है सब छाटा हुआ है आपका। चलिए ये आपका एक पेज खत्म हो गया, फर्स्ट पेज होता इतना का जो सार था जो आपको बता दी। अब आगे बढ़ते हैं, बृहदत्त वंश का अंतिम राजा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है बृहदत्त, बृहदत्त वंश का अंतिम राजा कौन था? अंतिम राजा कौन था? तो रिपुंजय था। कौन था? रिपुंजय था। कौन था? रिपुंजय। ध्यान रखिएगा बढ़िया से लिखते हैं क्या, रिपुंजय, रिपुंजय। बृहदत्त वंश का अंतिम राजा कौन था? रिपुंजय था। और बृहदत्त वंश एवं मगध की राजधानी बसुमती एक ग्रीवरस या कुशालनपुर था, आप जान ही रहे उसका ग्रीवरस कुशालनपुर है जो उसकी है जो राजधानी थी। तो थी सिंपल सी बात है ना कि आप एक चीज जान रहे हैं, यहाँ पर कोई कभी क्वेश्चन है जो आपको कोई बुक में नहीं मिला था आप ये याद रखिए, बृहदत्त वंश का अंतिम राजा रिपुंजय और उसकी राजधानी थी ग्रीवरस थी कुशालनपुर है जो उसी को कहते हैं। तो क्लियर हो गया, सुनते रहिए। चलिए आगे है, भारतीय इतिहास में अस्थाई सेना रखने वाले शासक प्रथम शासक कौन थे? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हम बिंबिसार के बारे में एक ऐसा चीज बताने जा रहे हैं कि ये क्वेश्चन है जो पूछ देगा, प्रथम अस्थाई सेना रखने वाला, प्रथम अस्थाई सेना रखने वाला, रखने वाला कौन था? बिंबिसार। और इसीलिए इसको क्या बोला जाता था? सेनीय। क्या बोला जाता था? सेनीय बोला जाता था। बिंबिसार को जो रखता था उसको सेनीय बोला जाता था, और हाथी भी रखने का भी उपयोग किया जाता था। यह है जो सिर्फ अस्थाई सेना भी रखा और हाथी भी रखा, क्या रखा? हाथी भी रखा था। बिंबिसार को सेनीय, वही बिंबिसार जो पीछे पढ़ाया थी कि अंग एवं मगध के बीच में जो संघर्ष होता था यही बिंबिसार ने रोका था, याद है 544 में हमने अभी पीछे बताया, तो आपको पूरा है रिकॉल भी कराते चलेंगे। चलिए आगे पढ़ेंगे, राजगिरी का वास्तुकार, राजगिरी का वास्तुकार, राजगिरी का वास्तुकार कौन था? तो राजगिरी का वास्तुकार कौन है भैया? राजगिरी का वास्तुकार, वास्तुकार कौन है? तो महागोविंद है। कौन है? महागोविंद है। कभी भूलिएगा जब एग्जाम में आएगा तो मेरा बोर्ड नहीं याद आ गया तो भूलिएगा कि हाँ सर एक पढ़ाए थे कि भाई राजगिरी का वास्तुकार कौन था? तो कौन था? यह है जो आपका महागोविंद था राजगिरी का, ध्यान रखिएगा राजगिरी का महागोविंद। चलिए आगे। अच्छा, एक हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार महापदानंद बहुत एकाएक की उपाधि हुआ था, महापदानंद जानवे करते हैं सब उससे डरता था, महापदानंद
महा पदानंद। भैया हिंदी अगर लिखते हैं गलत होगा तो माफ कर दीजिएगा। महापदानंद इसको एक कारक की उपाधि, एक कारक की उपाधि, ये तो आप जान ही करते हैं महापदानंद को। और ये लोग जानते हैं हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार कहा गया है ना कि कलिंग ने एक नहर का जो निर्माण कर रहा था, कलिंग ने, कलिंग की राजधानी तो श्री अशोक से बहुत रिलेटेड है, कलिंग ने एक नहर का निर्माण करवाया था। किसके अनुसार से? एक नहर का, हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार, हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार, अभिलेख के अनुसार। तो दो चीज, महापदानंद के कारण की उपाधि, कलिंग ने एक नहर का निर्माण कराया था, इसके लिए हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। राज तरंगनी के अनुसार चंद्रगुप्त का पिता जो था शकुनी था, राज तरंगनी जो था कलह जिसके कश्मीर का इतिहास लिखा गया है उसके अनुसार कहा गया है, राज तरंगनी के अनुसार जो चंद्रगुप्त का जो पिता था ना वो शकुनी था। राज तरंगनी, राज तरंगनी, राज तरंगनी के अनुसार, अनुसार जो चंद्रगुप्त का जो पिता था, चंद्रगुप्त का जो पिता था कौन था? शकुनी था। कभी भूलिएगा एकदम ट्यूटोरियल फॉर्म में पढ़िए और है जो आराम से है जो आप है जो लेक्चर का आनंद उठाइए आप एकदम। देखिए दूसरा पेज चल रहा और आधा खत्म हो गया और करीब करीब आपका है जो जब आप पढ़िएगा तो कम से कम 5 से 6 पेज है जो इसके अंदर में समेट दिया होगा। चलिए आगे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 28 अध्याय और 18 तीर्थ थे। जो कौटिल्य था, ये तो हो गया, इसके बारे में आप समझ गए। जो कौटिल्य था उसमें जो कौटिल्य बहुत बड़ा जानते हैं कौटिल्य के बारे में, राजनीतिक अर्थशास्त्र विदेश का सब चीज का है जो वह जो ज्ञाता था अपने आप में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार 28 अध्याय थे। चेंज कर देते हैं कलम, चेंज कर देते हैं। कौटिल्य के अनुसार 28 अध्याय और 18 तीर्थ थे, और 18 तीर्थ ये सब आपको मिल जाएगा, कौन कौन तीर्थ था वही मिल जाएगा आपके बुक में, लेकिन हमें जितना है जानना है उतना ही पीटी पॉइंट ऑफ व्यू आपको पढ़ा रहे हैं उसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि आगे जो है तारानाथ ने जो 16 राज्यों का विजेता बताया वो सब दिन रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब है जो यहां से करीब करीब क्वेश्चन है जो खत्म हो गया, अब अशोक से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसकी हम चर्चा करेंगे। अशोक से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए अशोक का नाम है जो मिलता है किसमें मिलता है? अशोक का नाम अशोक है जो किस अभिलेख में जो मिलता है? तो मास्क लगाते हैं ना, अरे मास्क जो लगाते हैं तो अशोक भी अब मास्क जब लगाया तो अपने आप को अशोक ही पाया, ध्यान रखिएगा। मास्क की जो अभिलेख है उसका, उसमें है जो अशोक का जो नाम है वो है जो अशोक मिलता है मास्क में, ध्यान रखिएगा। और भावरू में अशोक के सम्राट के मगध का है जो जिक्र है, जो भावरू है उसमें है जो मगध के सम्राट का जिक्र है, मैंने अपने आप को सम्राट के रूप में जो यहाँ देखा है, मैंने देखा जाता है भावरू में। मास्की में अशोक का नाम मिलता है और भावरू में मगध के सम्राट के रूप में है जो उसके जो मैंने जो लेखक है या जो भी है जो उनके बारे में कहा गया है उसके बारे में जो मिलता है। अच्छा अशोक जो था उसका है जो एक भाई था तीसमा, कहा जाता है कि अशोक के अपने एक भाई तीसमा को छोड़कर जो सबको मार दिया था। अभी दंत कथा की क्या है भगवान जाने, लेकिन एक भाई जो था तीसमा को छोड़कर जो सबको है जो मार दिया था। और बिंदुसार का एक मंत्री था राधागुप्त, बिंदुसार का मंत्री था राधागुप्त है जो अशोक को है जो मदद किया था, अशोक को है जो मदद किया था। इधर से टिक लगा लिए कि बिंदुसार का एक मंत्री था राधागुप्त। क्वेश्चन अब यहाँ से बनाएंगे, इतने अंदर से जो क्वेश्चन है जो बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हम ध्यान रखना है। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, देखिए मेरा पेन भी अब खत्म हो रहा है,
तो जरूर है जो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, तो और है जो हम अच्छे तरह से वीडियो है जो आपके लिए जरूर बनाएंगे। श्रीनगर की स्थापना है जो किसने किया था, यह है जो अशोक ने करवाया था, बहुत बढ़िया। राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, जो राजतरंगिणी था उसके अनुसार जो था श्रीनगर जो है कश्मीर जो है ये अशोक का हिस्सा था, ये कहा गया है। चलिए दो पेज खत्म हो गए, 15 पेज में दो पेज खत्म, 15 में पूरा बिहार खत्म, 15 पेज करेंट अफेयर्स का हुई जनवरी से लेकर अभी तक, 1.5 साल का 15 पेज है, जो भी इम्पोर्टेंट है वही है जो बताया। चलिए अशोक की भाषा क्या थी, प्राकृत थी, और लिपि क्या थी, ब्राह्मी थी। अशोक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अशोक की भाषा, अरे भाषा लिपि, लिपि भाषा, लिपि सिंह है जो जानते हैं कि एक आईपीएस ऑफिसर का ध्यान रखिएगा, अशोक की जो भाषा है वो लिपि है, लिपि अशोक की भाषा है, ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज है कि अगर इसकी गति, दूसरा इसका क्या था, भाषा है जो इसका प्राकृत था, और लिपि है जो ब्राह्मी थी। अशोक की भाषा क्या थी, प्राकृत थी, और लिपि है जो ब्राह्मी थी। अशोक की भाषा जो था वो प्राकृत है, और लिपि है जो ब्राह्मी थी। चलिए इसमें कितने शिलालेख है, इसके 14 शिलालेख और 7 स्तंभ लेख है, 14 शिलालेख, शिलालेख और 7 है जो स्तंभ लेख, स्तंभ लेख ध्यान रखिएगा, 14 शिलालेख और 7 स्तंभ लेख है। अच्छा, अशोक अपने शासन के 12वें वर्ष जहानाबाद में है, बराबर की पहाड़ियों में सुदामा गुफा का निर्माण कराया था, कहां, 12वें वर्ष जहानाबाद के पास गया था, और है जो कहां, बराबर की पहाड़ी वहां पर है सुदामा गुफा का निर्माण करवाया था। बहुत है, रूमी देवी अभिलेख इसका आर्थिक अभिलेख है, रूमी देवी अभिलेख इसका आर्थिक अभिलेख है। अच्छा, अशोक के समय वैशाली एवं पाटलिपुत्र से अशोक के स्तंभ ने प्राप्त हुए हैं, लेकिन अभिलेख उत्तीर्ण नहीं है। अशोक अभिलेख जारी करने वाला प्रथम भारतीय शासक अभिलेख जारी करने वाला, अशोक है जो शैव धर्म का था, और 36 प्रकार के शिल्पी रखते थे, इसके बारे में कहा जाता है कि ये है जो शैव धर्म का था, कौन सा शैव धर्म का था, अब लिखने की जगह नहीं है, छोटा बोर्ड है, अपना बजट छोटा है इसीलिए अभी छोटा है, तो जो अशोक जो था शैव धर्म का था, और 36 प्रकार के शिल्पी है जो रखते थे। तो दोस्तों, और दूसरा चीज है कि बौद्ध धर्म के व्यापक पैमाने पर जो संरक्षण दिया था, तो निश्चित रूप से है आपका है जो 3 पेज करीब करीब है जो आपका खत्म हो गया है, और 3 पेज में बुद्ध और महावीर, ये है जो आपको पढ़ना है, बुद्ध महावीर में इसमें कुछ नया चीज नहीं है, वो जो किताब में वही चीज है, ये सब चीज कुछ नए नए चीज जो मिले थे जो आपको बताए थे, और उसके बाद जो दोस्तों यहाँ से है आपका है 4 पेज में जब आएंगे हम, तो कर्नाटक वंश और मगध के परिवर्ती गुप्त शासक कुमारगुप्त, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे, कुमारगुप्त में कुछ इम्पोर्टेंस है इसके बारे में, जीवित गुप्त के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, मगध के परिवर्ती गुप्त शासक कौन था, जीवित गुप्त था, पाल वंश से क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में है, फिर है जो दोस्तों कर्नाटक वंश से क्वेश्चन बनेंगे, फिर बख्तियार खिलजी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, फिर तुगलक से बनेंगे क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन है, फिर शेर शाह से क्वेश्चन बनेंगे, और बिहार में मुगल 1580 में मिला लिया था, फिर सिख जो सिख आए गुरुदेव बहादुर यहाँ पर आए, गुरु नानक आए, कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे हुआ, बिहार में यूरोपीय व्यापारी का आगमन, फैक्ट्री के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, फर्रुखसियर का काल है दूसरा बता देंगे, और है दोस्तों फिर उसके बाद है जो पटना में 1857 का, देखिए एक पेज में पटना 1857 का देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्शल लॉ कब लागू हुआ, कौन कौन था 1857 की स्थिति में, क्या क्या व्यवस्थाएं थी, उसके बारे में बहावी आंदोलन से क्वेश्चन बनेंगे, अनुशीलन समिति पत्रिका, ये सब क्वेश्चन है जो बनेंगे, यही है दोस्तों, इतना के बाद है जो आपका 1942 तक आ जाता है, और उसके बाद खत्म हो जाएगा, और वन स्थिति रिपोर्ट में बस खत्म हो गया। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा आज वीडियो यही रखते हैं, फिर है जो अगर आप बोलिएगा तो आगे जरूर बढ़ेंगे, तो मिलते हैं दोस्तों के साथ, धन्यवाद।
सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों।